रमशा, क्या हुआ है? तुम मुझे परेशान लग रही हो, कहीं फिर से तो कुछ उल्टा सीधा सोचना शुरू नहीं कर दिया तुमने? नहीं, इस बार मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं सोच रही, बल्कि सीधा सीधा सोच रही हूँ कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। क्यों 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 पूछ रही आप? क्योंकि मैं निहाल को अपनी आंखों के सामने किसी और का होते नहीं देख सकती। तो इतनी जल्दी हार मान ली तुमने, हैं? और क्या करूं, आपने तो मेरा साथ देने से साफ साफ इनकार कर दी, और ऊपर से मुझे कह रही कि नहीं खामोश रहो। खामोश मैंने तुम्हें वक्ती तौर पे करा है, और रही बात निहाल की, तो जो कुछ हो रहा है ना वो भी वक्ती ही समझो। बस एक बार शादी हो जाने दो, फिर देखना मैं करती क्या हूँ। आप शादी होने से रोक नहीं पा रही, आपको क्या लगता है इतनी आसानी से आप शादी के बाद उनकी शादी खत्म करवा देंगी? जब वक्त आएगा ना तो इसका जवाब मैं उस वक्त में दूंगी, अभी जैसे हो रहा है वैसे होने दो। नहीं, आई एम सॉरी, मेरे में ना इतनी हिम्मत नहीं है। बस इतना ही दम है तुम्हारी मोहब्बत में? इतनी जल्दी हार मान ली तुमने? भगाने वालियां तो तीन तीन बच्चों की माओं को घर से भगा देती हैं, और तुम तो जानती हो निहाल की आदत को, एक बार जो भी चीज पसंद आ जाए बस उसके लिए जिद बांध लेता है। हाँ, थोड़ी ही देर में, बल्कि थोड़ी देर में क्या, चंद ही घंटों में वो चीज मिट्टी में रुलती हुई नजर आ रही होती है। और बीना के साथ भी यही होगा, बहुत जल्द बीना उसके दिल से उतर जाएगी, और जब उसके दिल से उतर जाएगी ना तो मैं और तुम मिलकर उसे इस घर से बाहर फेंक देंगे। और अगर ऐसा ना हुआ तो? ना होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर मैं और तुम साथ मिलकर काम करें तो चलो शाबाश, जल्दी से कपड़े चेंज करो, शॉपिंग के लिए लेट हो रहे हैं। आ जाओ। छवा, पापा ने ज्यादा पैसे दिए थे और मामा बिजी थी इसलिए साथ नहीं आई, वरना ऐसे कपड़े खरीदते बन्नो कि ना हम कभी पहन सकते थे और ना ही देखने का दिल चाहता। ऐसी कोई बात नहीं है चाची जान, अच्छे कपड़े तो लेती हैं। मेरे लिए लेती हैं अच्छे कपड़े, तुम्हारे लिए उन्होंने कभी भी अच्छे कपड़े नहीं खरीदे। मुझे फिर भी अच्छा लगता उनके दिए हुए कपड़े पहनने। मैं जानती हूँ, लेकिन आज बिल्कुल बचत नहीं करनी, वो साथ नहीं है, जो अच्छा लग रहा है ले लो। आप यहाँ? इन्हें मैंने ही बुलाया था। ऐसे क्या देख रही हूँ? अच्छा है ना, साथ मिलकर शॉपिंग करेंगे, है ना निहाल भाई? बहुत अच्छा है, अगर बीना को एतराज ना हो। बीना को क्यों एतराज होगा, है ना, ये अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही है, मैं जानती हूँ, इसकी शक्ल पे मत जाया। अगर ऐसी बात है तो लेट्स गो। मैं घर जाके देखती हूँ। चलो। आंटी वो देखिएगा, एक मिनट। कहाँ हो निहाल? क्या हुआ मॉम, खा रही हो? मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। मैं शॉपिंग कर रहा हूँ। किसके साथ? हेलो हेलो मॉम, हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी, आई थिंक सिग्नल प्रॉब्लम। हेलो निहार, फोन काट दिया। देख रही हैं अभी शादी से पहले उसका ये हाल है, तो शादी के बाद पता नहीं क्या होगा।
आंटी मैं आपको बता रही हूँ, जितनी क्लेवर ये लड़की लग रही है ना, शादी के बाद सबसे पहले आपको और अंकल को घर से बाहर निकालेगी। इतनी आसान नहीं होना है, तुम देखती जाओ कि मैं इसके साथ करती क्या हूँ। देखो सारे काम जो हैं वो अकेले तो मैं कर नहीं सकता, तुम्हें ही मेरा भरपूर साथ देना होगा। खालू फिक्र ना करें, अभी नई नई जॉब लगी है, छुट्टी मिलना मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन सारे काम हो जाएंगे। ठीक है बेटा, लेकिन मेरे लिए तो बस तुम ही हो, बेटे भी हो, भांजे भी हो, भतीजे भी हो। मैं आपको अकेले नहीं छोड़ूंगा, फिक्र ना करें। बेटा तुम अपने काम की, अपनी नौकरी की फिक्र करो, इनको तो आदत है जरा जरा सी बात पे परेशान हो जाने की बस। अरे कैसी बातें कर रही हो, घर में शादी है, ये क्या जरा सी बात है? खालो आप फिक्र ना करें, अगर मैं छुट्टियां ना भी ले सका तो आपका काम टाइम पे हो जाएगा। शुक्रिया बेटा, देखो बीना की शादी है, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पहले तो बड़े लेक्चर दे रहे थे सादगी सादगी सादगी, अचानक कारून का खजाना कहां से हाथ लग गया जो दोनों हाथों से लुटाना चाह रहे हैं? आपा बीना की शादी गैरों में हो रही है, इसीलिए शहरयार भाई नहीं चाहते कि कोई भी कमी रह जाए। अपनों में होती तो सादगी से ही होती ना। तो किसने कहा था इतने बड़े घर में जाके रिश्ता जोड़ने को? अब पड़ गई ना मुसीबत, अभी से इनका ये हाल है, आगे क्या होगा सोचो जरा। पापा आप अच्छा अच्छा सोचेंगी ना तो अच्छा ही होगा। शहरयार भाई आप तारीफ तय करवाएं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ खैर से होगा। इंशाल्लाह ठीक है खाल, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़। चलती हूँ बाजी। खैर से खैर से जाओ। खुदा हाफिज। ना हाफिज। अल्लाह हाफिज। कुछ तरीका नहीं है वैसे ये, जो पैसे अपनी बेटी के लिए संभाल के रखे हुए थे वो सब के सब लुटा रहे हैं उस मनहूस पर। आप दोनों का कजन क्या हमेशा इसी तरह गुस्से में रहता है? नहीं, अजलान तो बहुत फन लविंग है, बहुत जॉली है, पता नहीं आजकल मूड क्यों ऑफ रहने लगा इसका। अच्छा मुझे तो ऐसा लगा जैसे हमेशा गुस्से में ही रहता है। आई मीन जब भी मुझसे मिलता है तो इसी मूड में होता है। खैर एनीवेज थैंक यू सानिया। यू आर वेलकम। तो फिर मेरी ट्रीट उतार रहे हैं? हां हां क्यों नहीं, अगली बार दूंगा। लालच दे रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि एक काम करेंगे, पहले शॉपिंग पे जाएंगे और उसके बाद लोगों के फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना। डन डन, थैंक यू बीना। अस्सलाम वालेकुम मॉम। कहाँ से आ रहे हो? बताया तो था आपको, शॉपिंग पे था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम बीना के साथ थे
और जब मैंने तुम्हें कॉल किया तो तुमने मेरी कॉल काट दी। हाँ, मेरे फोन पे सिग्नल नहीं आ रहे थे। मजीद झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे फोन के तो सिग्नल आ रहे थे। क्योंकि आपका दूसरा नेटवर्क है, और जहाँ तक ताल्लुक रहा बीना का, तो हमारी शादी होने वाली है मॉम। अगर मैंने उसके साथ कुछ वक्त गुजार लिया है तो क्या गलत बात है? शादी होने वाली है, हुई तो नहीं है ना? क्या कहना चाह रही हैं? उसकी चची ने जो बातें मुझे बताई थी ना, अब उन बातों पे मुझे यकीन होता जा रहा है। चची ने बताया था कि उस लड़की ने उनकी जिंदगी अजीरन बना के रखी, और अब वो इस घर में आएगी तो हमारी जिंदगी को अजीरन बना देगी। मॉम, ऐसा कुछ नहीं होगा। चंद घंटे, थोड़ा सा वक्त क्या गुजार लिया तुमने उसके साथ, झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। और मुस्तकिल अगर वो तुम्हारे साथ रहेगी तो पता नहीं और क्या क्या सीख लोगे तुम। आप इतनी तंग नजर कब से होगी? मेरी फियांसे है, होने वाली बीवी है, अगर कुछ वक्त गुजार लिया है तो व्हाट्स अ बिग डील? नहीं, नहीं गुजार सकते तुम। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये आप। जब रमशा की बात थी तब तो बहुत बड़े बड़े लेक्चर दिया करती थी मुझे आप। उसे बाहर लेकर जाओ, उसे टाइम दो, शॉपिंग कराओ, मूवी दिखाओ, अब क्या हो गया? रमशा में और बीना में जमीन आसमान का फर्क है। मॉम, उन दोनों में सिर्फ ये फर्क है कि रमशा आपकी पसंद थी, बीना मेरी पसंद है। मुझे तुमसे मजीद बहस नहीं करनी, तुम बीना से आइंदा नहीं मिलोगे, बस। इट्स नॉट पॉसिबल मॉम, मुझे बीना से मिलना है और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। अगर मैं उससे नहीं मिलूंगा तो कैसे डेवलप होगी हमारी अंडरस्टैंडिंग? तुम शायद भूल रहे हो, मैं ये शादी रुकवा भी सकती हूँ। सॉरी मॉम, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बदले में जो मैं करूँगा वो आप भी अच्छे से जानती हैं। हाँ जी, कहा था ना मैंने, इस घर के किसी कोने में फालतू चीज की तरह पड़ी रहूंगी, मत होने दें ये शादी। अभी भी वक्त है सोचने का। मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो। मुझे वो लड़की कबूल नहीं है। कौन सी लड़की? वही बीना। देखो रिफत, बीना और निहाल के रिश्ते को लेकर जितनी बहसें, जितने झगड़े होने थे हो चुके, अब सिर्फ एक काम होगा, बीना और निहाल की शादी। मैं, तुम तैयारी कर लो, हमने डेट फिक्स करने जाना है, तुम्हारा दिल चाहे या ना चाहे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप उस लड़की की वजह से मुझसे इस लहजे में बात करेंगे। रिफत, मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपने बेटे की खुशी के लिए कर रहा हूँ। मेरा बेटा खुश है इस रिश्ते से, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी मर्द की जबान मजाक नहीं होती, मैं रिश्ता पक्का कर चुका हूँ, अब ये तोड़ नहीं सकता और ना ही निहाल किसी सूरत इसे टूटने देगा। अगले महीने की 10 तारीख कैसी रहेगी? 15 दिन में इंतजाम हो जाएंगे? हाँ ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं, बस अल्लाह खैर का वक्त लाए। आमीन आमीन। माशाल्लाह, मुबारक हो सबको। अरफा, मुंह मीठा करवाओ सबका। कह दिया सानिया को, ला रही है चाय और मिठाई। मुझे लगता है कि अभी तक आपका दिल साफ नहीं हुआ।
इसका मतलब है कि आप बहुत खामोश हैं। अब क्या अब भी कोई खौफ है आपके दिल में दोनों घरानों के स्टेटस को लेकर? नहीं भाई साहब, वो तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं है आज। और कोई बात? अल्लाह आपको शफा दे। शैया साहब, मैं आपसे ये बात कहना चाहता था कि हम जहेज वगैरह कुछ नहीं लेंगे, तो आप फिक्र ना कीजिएगा। भाई ये क्या कह रहे हैं आप? जो बीना का नसीब होगा वो तो हम उसे देंगे ना, आखिर ये तो बेटियों का हक होता है। देखिए, मैंने कहा ना कि हम बीना को दो कपड़ों में लेकर जाएंगे, बाकी वहां जाकर जो उसका जी चाहे ले ले। वो तो ठीक है, लेकिन अरे क्यों इसरार किए चले जा रहे हैं? जब भाई साहब कह रहे हैं तो उनकी बात मान लेना। वैसे भी जहेज लेना देना कोई अच्छी बात तो नहीं होती। शुक्र है आप मेरी बात समझ गई हैं। जी जी, आपकी बात तो हम सब समझ रहे हैं भाई साहब, लेकिन हमारी बीना यतीम मस्कीन लड़की है, उसके दिल में कोई बात ना रह जाए इसलिए कुछ ना कुछ तो जरूर दे के भेजेंगे ना हम उसे। अगर ऐसी बात है तो थोड़ा बहुत गिफ्ट की सूरत में दे दीजिएगा। ठीक है, जो बीना के नसीब में है वो हम उसे तोहफतन दे देंगे, दहेज के तौर पे हम कुछ नहीं देंगे। कान इधर से छोड़ के उधर से पकड़ लिया। आशा, ये सानिया कहाँ रह गई? मिठाई लेकर आ रही थी। पता नहीं कब से कह रखा है सानिया को। सानिया कहाँ रह गई हो? पापा मैं लेकर आती हूँ। मैं कर बन्नो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ चुपी बैठी हो। मुबारक हो बन्नो, शादी की डेट फिक्स हो गई है। अरे निहाल तुम्हें बहुत खुश रखेगा, बहुत लकी हो तुम, जान छिड़कता है वो तुमको। बन्नो अब क्या उदास बैठी हो? चलो नीचे चलते हैं, आज कुछ स्पेशल मीठा बनाते हैं। आ जाओ उठो। चोरी और बदनीयती तो रिफत के अपने दिल में छुपी हुई थी और बात वो बार बार मुझ पे रख रही थी। गुरूर देखा था उसका, ऐसे जैसे बीना का रिश्ता मांग कर कोई एहसान कर रही हो हमारे ऊपर। हाँ उन लोगों का रवैया बहुत बुरा था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? अरे करने का तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर गलती बुनियादी तौर पर हमारी अपनी। ना अर्फा बीना के दायरे में ऐसी बातें करती और ना वो रवैया लेकर यहाँ पर आती। लेकिन शहरयार भाई, ये बीना की सारी जिंदगी का मामला है। खुदा ना खास्ता शादी के बाद कोई नुकसान ना पहुंचे उसे। अभी भी हमारे पास वक्त है, मैं तो कहती हूँ अभी भी सोच समझ लें आप। देखो बीना ने निहाल के साथ जिंदगी गुजारनी है और शादी के बाद अगर वो दोनों खुश रहेंगे तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। एक काम करना, घर जाती हो तो अजलान से कहना मुझसे आकर मिल ले, मैंने कुछ जरूरी काम उसे सौंपने। ठीक है, मैं कह दूंगी। ठीक है। वैसे ना तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बताओ बजाय मेरा साथ देने के बार बार बीना 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 की रट लगाई हुई थी तुमने। पता नहीं है कि क्या क्या कुछ किया है उस खबीस ने मेरे साथ। आपा बीना इतनी बुरी लड़की नहीं है जितनी आपको लगती है। मैं तो हमेशा अपने आप को कोसती रही हूँ, सारी उम्र आपकी आंखों से देखा और आपके कानों से सुना। मतलब क्या है तुम्हारा, मैं झूठ बोलती रही हूँ क्या? मैं ये तो नहीं कह रही, लेकिन सच बात ये है आपा कि
पीछे मैंने कभी बीना को आपके साथ बुरा सलूक करते हुए नहीं देखा है। बस आप ही हैं जो हाथ में छुरी और जबान पे कांटे बांधे रखती हैं। जा रही हूं मैं, अजलान इंतजार कर रहा होगा मेरा। सब उसकी साइड ले रहे, क्या मैं ही एक बुरी हूँ इस घर में? बाकी सारे के सारे फरिश्ते हैं बीना समेत। लखरत करे इस मनुष्य को, एक सांस भी सुकून का ना ले सके जिंदगी सारी। आपा, बीना इस घर से शादी होके जा रही है अब। अब तो नफरतें छोड़ दे। जब बेटियां घर से रुखसत होने लगे तो उन्हें अच्छी अच्छी दुआएं दे के रुखसत किया जाता है, ना कि नफरतों से धुतकारा जाता है। खुदा हाफिज। आई बड़ी मुझे लेक्चर देने वाली, अपना नहीं बताई से। तुम क्या इतनी रात को बदरू बनी हुई फिर रही? तुम्हारी मोहब्बत में पागल जो होंगे। रोग लग गया मुझे, इसलिए रात रात भर जागती रहती हूँ, नींद ही नहीं आती। फिर तो तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए रमशा, हो सकता है तुम्हें इलाज बता दे इसका। डॉक्टर के पास इलाज नहीं है। मेरा इलाज तो तुम्हारे पास है, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा साथ ही तो मेरा इलाज है। रमशा प्लीज। जल्स नहीं आता तुम्हें मुझे? मेरी हालत देख के तुम्हारा तुम्हारा दिल नहीं पिघलता? अमशा, मैंने अगर तुम्हारे साथ कोई कमिटमेंट की होती तो जरूर होता, लेकिन जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना, तो सिर्फ शक्तरफा मोहब्बत की वजह से हो रहा है। मैं तुम्हारे लिए दुआ ही कर सकता हूँ। ये हमदर्दी भी किस लिए? इस दुआ की भी क्या जरूरत है? क्योंकि तुम मेरी कजन हो, एक रिश्ता है हमारा, क्या तुम्हारी नजर में उसका तकद्दस अहमियत सब चला गया है क्या? क्या करूं मैं तुमसे मोहब्बत जो कर बैठी, और मोहब्बत ना सारे असूलों से अनजान होती। Listen, अमशा, अपने आप को और अपनी मोहब्बत दोनों को समझा लो कि मैं किसी और का हो चुका हूं, तो बेहतर होगा कि वो अपना रास्ता पलट लें। मैं रास्ता नहीं पलट सकती, रास्ता तो उससे पलटना पड़ेगा जो हम दोनों के बीच में आ गई है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है पापा, इतने सारे काम है करने को, इतने कम वक्त में कैसे होगा ये सब कुछ? अरे बेटा, एक एक करके सब हो जाएंगे, फिक्र मत करो। जब उन्होंने जहेज लेने से मना कर दिया है, क्या जरूरत है पैसे जाया करने की? अरे पैसे जाया नहीं कर रहा मैं, सिर्फ अपनी बेटी का उसे हक दे रहा। कहां से आएंगे इतने पैसे? आ जाएंगे ना, मैंने अपनी बच्चियों के लिए पैसे जमा करके रखे हुए हैं बैंक में। चल, जो कुछ बैंक में जमा करके रखा हुआ है ना, सारे का सारा इसी पे खर्च कर दीजिएगा। अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं रखेंगे क्या? नहीं, जब सानिया का वक्त आएगा तो उसके लिए भी हो जाएगा है इतने पैसे। और हर चीज के ऊपर तुम सवाल क्यों कर रही हो? हाँ, मेरी इस घर में पहले कौन सा मानी गई है जो अब मानी जाएगी? खास तौर पे जब आपकी चहीती भतीजी का सवाल हो, हाँ तो मेरी कोई औकात ही नहीं है ना। अरे क्या मसला है तुम्हारी माँ के साथ? बीना बेटा, तुम सानिया के साथ मिलके जितने काम करने हैं ना, उनकी एक फहरिस्त बना लो,
रस्में शुरू होने से पहले तमाम चीजें मुकम्मल हो जानी चाहिए। ये ना हो कि यहाँ पे हमारा काम शुरू होना और तुम मुझे कह रही हो कि फलां चीज जो है वो तो अभी हुई नहीं और बाकी जो है वो काम अभी वो पूरा नहीं हुआ, ये मुझे सुनने को ना मिले। पापा आप बिल्कुल फिक्र मत, इस चीज की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दें, मैं बीना से पूछ के सारी लिस्ट बना लूंगी, सारे काम हो जाएंगे। गुड। चाचा जान, चाची जान सही कह रही है, जब उन लोगों ने मना कर दिया तो ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है। बेटा मैं सिर्फ तुम्हारा चाचा नहीं हूँ, बाप बन कर पाला है मैंने तुम्हें, और हर बाप की ख्वाहिश होती है कि अपनी बेटी को घर से रुखसत करते हुए उसके साथ कोई तोहफा भी उसे दे। इसलिए मैं किसी के कहे में आकर ये नहीं कर रहा, एक बाप की हैसियत से अपनी हसरतें पूरी कर रहा हूँ। ये देखो ये कैसा है डॉट। नहीं मुझे नहीं पसंद आ रहा, कोई और दिखाएं। पिछले 2 घंटे से तुम डिजाइन देख रही हो, एक कार्ड भी तुम्हारी नाक के नीचे नहीं आया। क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं आप, हद होती है। नहीं पसंद आ रहा तो नहीं पसंद आ रहा, बस लाए मुझे दिखाएं। आप आंटी आप ये वाला देखें, ये अच्छा है ना। हाँ ये अच्छा लग रहा है। निहाल जी, निहाल ये देखो ये कैसा है। बस ठीक है, कोई और देख ले। देखा है नहीं, बगैर देखे कह रहे हो, ठीक है देख तो लो ठीक से। अरे उसे नहीं पसंद तो क्यों फोर्स कर रही हो। अब आंटी रहने दे आप, हम दूसरा देख लेते हैं। वैसे भी जिसने आपकी मर्जी की लड़की सिलेक्ट नहीं की वो कुछ और क्या करेगा। ये देखो, वैसे तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। निहाल तुम ऐसा करो कि बीना से ही पूछ लो। मामा? हाँ तो और क्या, तुम्हें तो कोई कार्ड समझ में नहीं आ रहा है तो बीना से ही पूछ लो। ठीक है पूछ लूंगा फिर। देख रहे हैं आप इसकी हरकतें। क्या बात करूं माम, क्या बात करूं, जब आप बात बात पे तंज करती हैं और अपनी इस भांजी को भी मौका देती हैं तो मैं क्या बात करूं। निहाल मैंने क्या किया है। बच्चा नहीं हूं मैं, सब जानता हूं। तू भी मुझे और मॉम को बीना से दूर कर रही हो। निहाल तुम इस तरह से इसकी इंसल्ट नहीं कर सकते, भांजी है ये मेरी, बिल्कुल बेटी की तरह है। तो मॉम मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब आप या रमशा बीना के बारे में कोई गलत बात करते हैं। Why don't you understand? और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये तुम इसमें क्यों कूद रही हो, क्या तुम्हारा लेना देना। इनफैक्ट तुम्हें तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। निहाल तुम दोनों माँ बेटा किस बहस में पड़ गए, तुम ही कुछ ख्याल कर लो। आप इसे डांटने के बजाय मुझे समझा रहे हैं? इसकी हरकतें आप देख रहे हैं? अगर ऐसी रही ना तो देखिएगा शादी के बाद ही हमें पूछेगा भी नहीं। तुम ये सब सोच सोच के परेशान मत हो, निहाल हमारा बेटा है, ये हमारा ख्याल रखेगा। चलो आओ छोड़ो इस बहस को, कार्ड देखने बैठ। मुझे कोई कार्ड वार्ड नहीं देखना, खुद ही देखे। ओह ओह निहाल बेटा आओ इधर आओ, बैठ शाबाश। शुक्रिया डैड मुझ पर भरोसा करने के लिए। अरे मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, जीते रहो खुश रहो। ये लो अब बताओ। Thank you.
हेलो जी मामा, क्या? बस मामा हम घर आ रहे हैं, हम घर आ रहे हैं। ये क्या हुआ आपको, कैसे हुआ ये? ले गए, सब कुछ ले गए। कौन, क्या क्या कुछ छीना है आपसे लोगों? पैसे लेके निकल रहा था वो, सारे पैसे ले गए। कहां से आएंगे इतने पैसे, कटे बिना की शादी सर पर है, क्या होगा? खालू खुदा का वास्ता, ये कोई वक्त है पैसों की बात करने की? शुक्र है आपकी जान को कुछ नहीं हुआ। कहां से आएंगे पैसे? खालू प्लीज, मैं कह रहा हूं ना आपको सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान ना। शहरयार, ये क्या हो गया? आप तो बैंक गए थे ना, अस्पताल कैसे पहुंच गए हम? वो एक्चुअली हादसा हो गया, तो खाला चोट लग गई उनको। ऐसा हादसा, कुछ पता तो चले। पैसे लेके निकला हूँ बैंक से, कुछ लोग पैसे छीनने आ गए, छीना झपटी में मैं यहाँ आ गया। और पैसे? लेख, सारे लेख। देखा देखा, ऐसा ही होता है जब अपनी औलाद का हक छीन कर आप किसी और को देते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, डाकू ले जाते हैं सब कुछ। लाहन, इस औरत को ले जाओ यहां से, ले जाओ इसे। खाला, खुदा के लिए ख्याल करें कुछ, क्या बोल रही हैं? क्या ख्याल करूं? हाँ, क्या ख्याल करूं मैं? मेरी बच्ची का हक छीन कर किसी और पे लुटाने जा रहे थे, ना लुटाते तो ये सब कुछ तो ना होता ना। अरफा, उस मजलूम बच्ची के लिए तुम्हारे दिल में इतना बुग्ज ना होता ना, तो ये कुछ ना होता। पापा, चचा, ये क्या हुआ आपको? ठीक हूँ बेटा। कहाँ ठीक है, इतनी गहरी चोट लगी आपको, ये कैसे हुआ सब कुछ? और बेटा, एक हादसा हो गया बस। साफ क्यों नहीं बताते इसे मनहूस को, डाकुओं से भिड़ गए थे आप? अल्लाह, पापा। शुक्र करो कि ये खुद बच गए, वरना पैसों के साथ साथ इनकी जान भी जा सकती थी इस मनहूस की वजह से। अफसोस की बात है रिफत बेना, उन बेचारों की सारी रकम लूट ली गई, उन्हें जख्मी कर दिया गया, और तुम कह रही हो कि ड्रामा होगा? हो सकता है कि उन्होंने ये ड्रामा जहेज ना देने के लिए बनाया हो, कोई मनगढ़ंत कहानी बना ली हो, हमें क्या पता। नहीं नहीं, तुम औरतें नेगेटिव सोचती हो। शहरयार बेचारा तो ईमानदार और खरा बंदा लगा। खरा, एक बार शादी हो जाने दे, खरा खोटा खुद ही सामने आ जाएगा, देख लीजिएगा। पता नहीं, मैं कभी कोई गलत बात नहीं करती। अरे भाई, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, खैरियत? मॉम का मूड फिर से खराब है क्या? वो सोच रही है कि कहीं शादी ना रुक जाए। किसकी शादी? अरे तुम्हारी शादी और किसकी शादी? मैं समझा नहीं, क्या मतलब? वो बेटा, बीना के चचा को किसी ने लूट लिया है, उन्हें थोड़ा बहुत जख्मी भी कर दिया है, इसलिए मैं और तुम्हारी मामा अफसोस कर रहे थे। Oh my God, Dad, ये तो such a terrible news. हाँ बेटा, सफेद पोश लोग हैं, पता नहीं कैसे इंतजाम करेंगे। हम एक काम करते हैं माम, हम उन्हें कुछ रकम दे देते हैं, that would be helpful. क्या? ये क्या कह रहे, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हम क्यों रकम देंगे उन्हें? इसमें पागल वाली क्या बात है मॉम, वी कैन अफोर्ड, और अच्छी बात है, उनकी हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, नई नई रिश्तेदारी हुई अभी,
सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं हमें क्या पता। मॉम प्लीज स्टॉप बीइंग सिनिकल। आपको क्या लगता है वो झूठ बोल रहे हैं सब ड्रामा कर रहे हैं? बिल्कुल हो सकता है वो झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उनके लिए तो हम बहुत बड़ी आसामी है ना, तो ड्रामा भी रचा सकते हैं क्या पता किसी को। किसी की नीयत पे शक करना कोई अच्छी बात नहीं है रिफा। और हर किसी पे एतबार करना भी सही बात नहीं है। बेटा तुम ऐसा करो कि अपने होने वाले ससुर को फोन कर लो, उनका हाल चाल पूछ लो, यहाँ तो कोई फैसला होना मुमकिन नहीं है। जीते रहो बेटा, आपको भी हमेशा सलामत रखे। आपके लिए खाना लाती हूँ। नहीं बेटा मैं पहले कुछ देर आराम करूंगा फिर खाऊंगा। ठीक है। हर अब तो परेशानी की बात ही है ना, मैंने आपसे कहा था ना सब कुछ सही हो जाएगा। बेटा कैसे करोगे सब कुछ अरेंज, अभी तो तुम्हारी नौकरी शुरू हुई है। कुछ सेविंग्स हैं मेरे पास खालू, और इसके अलावा कोई कोई लोन ले लूंगा, लेकिन हो जाएगा आप परेशान मत। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। खालू प्लीज इसमें कोई एहसान नहीं, आपने मुझ पे किए हैं एहसान, उसके बदले ये कुछ भी नहीं है। आपको किसी भी चीज की जरूरत, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बताएंगे। ओके ठीक है बेटा, जीते ख्याल रखिए।